हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है गाइस आई आई वांट टू यू दैट हैव चेंज्ड माय चैनल नेम फ्रॉम स्टडी मटेरियल टू मल्टी क्लास इफ यू वांट टू सर्च माय चैनल यू कैन टाइप मल्टी क्लास इन द सर्च इंजन बॉक्स ऑफ एंड यू विल रीच इन द माई चैनल सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इफ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो लेट्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को कैसे डिवेलप करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारी लाइफ में इंग्लिश कम्युनिकेशन का बहुत रोल हो चुका है आज की डेट में तो हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में एज वेल एज़ हिंदी में तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि हम कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सके इंग्लिश में बहुत शॉर्ट टर्म में आप यूज़ करिएगा अगर आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा मिलेगा जो कि मैं गारंटी देता हूं कि डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप जो मेरे मेरी बात को फॉलो करेंगे तो श्योर है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी तो इसमें हमें क्या होता है कि इंग्लिश का यूज़ करना होता है हम जब जब हम इंग्लिश सीखते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें उसका यूज़ करना होता है उसका प्रयोग करना होता है जैसे आप हिंदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्यों हम हर समय हिंदी का ही यूज करते हैं एक और अंग्रेजी हमारी बहुत वीक हो जाती है इंग्लिश हमारी बहुत वीक हो जाती है क्यों क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते हैं इंग्लैंड में अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है ठीक है वो बड़ा हो रहा है स्कूल जाने से पहले वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है क्यों क्योंकि उसको वहाँ एक माहौल मिल जाता है तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना, करना पड़ता है फिर हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है ठीक है एक्शन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ आपको कि हम कैसे यूज करें क्योंकि हम घर में तो बोल नहीं सकते अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो कोई जानता है कोई नहीं जानता है तो अगर जानते हैं तो वो बोलते हैं यार क्या बात कर रहा है हमारी समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ ठीक है अगर नहीं जानते हैं अंग्रेजी और अगर फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं तो बोलते हैं यार कहाँ से आ गया अंग्रेज का बच्चा निकल ले यहाँ से ठीक है तो ऐसा कुछ कमेंट्स पास होते हैं और ये मेरे साथ भी होता है श्योरली तो लेकिन मैं इस ट्रिक का यूज मैंने किया है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में, में काफ़ी सुधार आया है काफ़ी डेवलप हुई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है देखिए हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन ओनली अ मंथ ओनली अ मंथ में मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप एक मंथ में फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेंगे लेकिन हाँ एक महीने में आप इतनी इंग्लिश जरूर बोल लेंगे कि आपके सामने कोई भी बंदा बैठा हो आप कम्युनिकेट कर सको ठीक है कम्युनिकेट कर सको अगर एक महीने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा और बहुत अच्छा भी हो सकता है इट्स टोटली डिपेंड यू दैट हाउ यू कैन मैनेज योर सेल्फ सो ट्रिक फॉर यू ओके लिटिल ट्रिक फॉर यू दैट यू कैन स्पीक फ्लूटली तो यू हैव नीड टू यूज दिसम आवर तो आपको आधा घंटा एक दिन में यूज करना ही करना है मिनिमम है बाउंडेशन है मिनिमम मैगजिम की कोई बाउंडेशन नहीं है एक हफ्ता यूज करिए एक हफ्ता क्यों यूज करिए एक हफ्ता यूज करने के बाद आपको रिजल्ट आपके हाथ में दिखेगा नहीं ओके okay, सिंपल ओके okay, तो आपको क्या करना आता है पहले देखो हमें कम्युनिकेशन करना है ठीक है विदाउट हेजिटेशंस आप प्ले स्टोर में जाइए अपने गूगल प्ले स्टोर में आपका एंड्रॉयड फ़ोन होगा आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आप टाइप करिए इंग्लिश टॉक एंड सर्च और एक ऐप आएगी जिसका लोगो ये वाला है आपको दिख रहा होगा पे ये ऐसा लोगो आएगा उसको आप क्या कर ले इंस्टॉल कर दीजिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस आप, उस एप्लीकेशन को टॉक टॉक टू टू लेवल लेवल फर्स्ट फर्स्ट स्पीकर होता है कि जैसे आप एक बिगिनर एक, एक दूसरा बंदा कोई भी कहीं भी यूज कर रहा होगा ठीक है जो ऑनलाइन होगा उसके साथ आपकी बात होगी ठीक है आप उसको कम्युनिकेट करोगे आप कुछ भी बात करो लेकिन इंग्लिश में बात करो रोल फर्स्ट डे अगर आपकी बहुत ही वीक है इंग्लिश तो फर्स्ट डे होगा आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाओगे समझ भी नहीं पाओगे इट इट डजेंट मैटर आपको इस चीज़ को रिलाइज करना होगा हेजिटेशन बिल्कुल नहीं कि यार सामने वाला बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये हेजिटेशन बिल्कुल अपने मन से उतार दीजिए क्योंकि ऐसा क्योंकि तो आप दोबारा उससे मिलने वाले हो नहीं आप जानते नहीं हो उस बंदे को जो बात कर रहा है और वो आपको नहीं जानता ठीक है तो आप बात करिए इट डजेंट मैटर कि आपको कैसे बात करनी है आप नॉर्मली बात करिए उनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछिए कोई भी टॉपिक उठा दीजिए किसी भी टॉपिक पे बात करिए टूटी फूटी अंग्रेजी बोल दीजिए अगर वो समझ रहा है ठीक है देखो इसमें बिगनर ही लेवल फर्स्ट में बिगनर ही मिलते हैं तो सारे ऐसे टूटी फूटी बोलते हैं तो आपस में हो जाता है तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्योंकि हम बचपन में देख बचपन से देखते आए हैं कि स्कूलों में टीचर्स बोलते हैं कि स्कूलों में टीचर्स बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करो आपस में ठीक है तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे हम नहीं कर पाते हैं हम थोड़ा सा अगर एक दिन भी कर दिया ना बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे स्कूल टाइम पे ठीक है तो स्कूल टाइम पे अगर कोई बच्चा स्कूल टाइम पे है अगर तो वो इस वीडियो को देख रहा है तो श्योर आपको करना चाहिए एक हफ्ता तो यूज़ करिए यार एक हफ्ता यूज़ करिए दिस ऐप को ये ऐप से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड एक हफ्ते बाद कमेंट जरूर करना आधा घंटा मिनिमम यूज करके और डेली बेस याद रखना डेली यूज करना है ऐसा नहीं कि गैप में आप यूज कर रहे डेली यूज करिए ओके थैंक